हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स का चैप्टर टू होल नंबर करेंगे, जिसकी एक्सरसाइज है 2.2, जो कि पेज नंबर 40 पर है। इसका क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन का ई पार्ट। तो ये हमारे रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हैं, तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें किसी भी दो मल्टीप्लाई जिसको उसको करते हैं जिसको हमें ज़ीरो मिल जाए। जैसे हम 5 को 5 को करेंगे तो हमें 25 मिलेगा, ज़ीरो नहीं मिला। तो हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 285 क्रॉस 5 क्रॉस 60। ठीक है, ऐसे लिख लें, 285 क्रॉस, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 6 30। ठीक है, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 0 हम पहले लगा लेते हैं। ठीक है, 3 5 15, 3 8 24 और 1 25, 3 2 6 7 8। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसमें भी हमें ज़ीरो बनाना होता है, तो हम किसकी मल्टीप्लाई करें, एक तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करें और इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करें, क्योंकि देखो 5 8 40 और ज़ीरो इसमें है ही, ज़ीरो की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो ही मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको करते हैं, सही से लिख लेते हैं पहले, 125 क्रॉस 8 क्रॉस 40 क्रॉस 25। ठीक है, तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 125 की 8 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 8 5 40, 8 2 16 और 4 20, 8 1 8 9 10। ठीक है, क्रॉस, अब ज़ीरो लगाए तो ज़ीरो पहले लगा लेंगे, अब 25 चौका कितना होता है, 100। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हम क्या करेंगे, जितने ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 हम पहले लगा लें, 1 2 3 4 5 6 और 1 1 1। तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई करनी होती है किसमें, जिससे कि हमें ज़ीरो मिल जाए। ठीक है, तो हमने 285 ऐसे लिखा, 5 को 60 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 को 60 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 300। तो 300 को हमने इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना है, क्या मतलब, ज़ीरो बनाने का मतलब ये है कि ईजीली हम मल्टीप्लाई उसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करा, अब हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करें और इसकी और इसकी। ठीक है, तो हम देंगे 25, 125 क्रॉस 8 क्रॉस 40 क्रॉस 25, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आया, फिर इसको इससे करेंगे तो ये आया। तो यही हमारा आंसर हो